24 और 25 अगस्त को पलानी में मनाया जाएगा दो दिवसीय विश्व मुरुगा भक्त सम्मेलन। तमिलनाडु के रामेश्वरम मंदिर को मिला 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का दान। दिल्ली के मालवीय नगर के बिरला मंदिर में कराची से लाई गई भगवान की मूर्ति के दर्शन के लिए लगी भक्तों की भीड़। सरयू आरती में तकनीक की मदद से श्रद्धालुओं को किया जाएगा शामिल। बढ़ती भीड़ को देखते हुए ट्रस्ट का फैसला। रामलला के भोग में किया गया बदलाव। मॉनसून के मौसम में भगवान को पौष्टिक भोजन मिले इसके लिए किया गया फैसला। गोरखपुर में सावन के महीने में भगवान शिव की तस्वीरों और प्रतीकों से सजे कपड़ों की बढ़ी मांग। सीआरपीएफ ने मनाया 85वां स्थापना दिवस। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बांटे राष्ट्रपति पुलिस पदक। हिंदू धार्मिक दान विभाग के तत्वाधान में अगले महीने डिंडीगुल जिले के पलानी में विश्व मुर्गा भक्त सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। 24 और 25 अगस्त को दो दिवसीय सम्मेलन में हजारों मुर्गा भक्त, आदिना और मठाधीश तमिल विद्वानों के शामिल होने की उम्मीद है। मंदिर से संबंधित अरुल मी कुपलानी अंडावर कला और संस्कृति महाविद्यालय में आयोजित होने वाले मुर्गा भक्तों के सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर है। इस मामले में हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती मंत्री शेखर बाबू ने पलानी का दौरा किया। बंदोबस्ती मंत्री शेखर बाबू ने स्वामी के दर्शन करने के बाद सुबह सुबह पलानी पहाड़ी मंदिर गए और सम्मेलन के लिए की जा रही तैयारियों और कार्यों का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने जिला कलेक्टर पुंगोड़ी की अध्यक्षता में आयोजित सम्मेलन के लिए परामर्श बैठक में भाग लिया। उन्होंने यह भी बताया कि सम्मेलन में आने वाले सभी भक्तों को मुफ्त प्रसाद दिया जाएगा। परामर्श बैठक में खाद्य एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री चक्रपाणी, हिंदू धार्मिक कल्याण विभाग के सचिव चंद्रमोहन, पलानी विधानसभा सदस्य सेंथिल कुमार, पलानी मंदिर के संयुक्त आयुक्त मारी मुथु, पुलिस जिला एसपी प्रदीप और अन्य राजस्व विभाग और मंदिर प्रशासन के अधिकारियों ने भाग लिया। गुरुवार को मंदिर के प्रशासन ने जानकारी देते हुए बताया कि तमिलनाडु के रामेश्वरम मंदिर को 1,09,07,089 रुपए से ज्यादा का दान मिला है। तमिलनाडु के रामेश्वरम में प्रमुख तीर्थ स्थल रामनाथ स्वामी मंदिर में हर साल देश भर और दुनिया से हजारों श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन के लिए जाते हैं। ये भारत में बने 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। दक्षिणी दिल्ली के मालवीय नगर इलाके के लक्ष्मी नारायण मंदिर को बिरला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर शानदार आर्किटेक्चर के साथ अपने दिलचस्प इतिहास के लिए भी इलाके में मशहूर है। बिरला मंदिर का उद्घाटन 1955 में किया गया था। कहते हैं कि इस मंदिर की मुख्य खासियत ये है कि यहाँ की मुख्य मूर्ति को पाकिस्तान के कराची से लाया गया था। यहाँ एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक मूर्ति है जो जयपुर के जो स्ट्रक्चर है उससे बिल्कुल अलग हट करके है। एक ही प्राचीन पत्थर में बनी हुई है और जो वो लक्ष्मी और नारायण की ये जो मूर्ति है। कराची में खुडी नाम का एक स्थान है, वहाँ पर अमरनाथ नाम के महंत थे। उस महंत जब भारत जब विभाजन हुआ, विभाजन के समय जब वह भारत आने लगे तो अपने घर का अमूल्य स्थान को सामान को छोड़कर उन्होंने एक बक्से के अंदर छुपा करके इस मूर्ति को लाए। इस मंदिर में कई देवी देवताओं की मूर्तियां भी हैं जिन्हें जयपुर के कुशल कारीगरों ने बनाया है। मंदिर में होम्योपैथिक डिस्पेंसरी और वार्ड भी हैं जहां मरीजों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा प्रशासन श्रद्धालुओं के लिए कम फीस में कंप्यूटर क्लास भी चलाता है। आपको बता दें कि बिरला मंदिर काफी फेमस टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ हर दिन दूर दूर से बड़ी तादाद में लोग दर्शन के लिए आते हैं। की स्थिति को देखते हुए सभा ने अनुभव किया कि आने वाला का युग कंप्यूटर का युग है, इसलिए अब अनेक वर्षों से यहाँ कंप्यूटर सिखाया जाता है। बहुत ही नॉमिनल कास्ट के ऊपर जो है वो जो कंप्यूटर सेंटर सब तरह की सुविधाओं से संपन्न है। नए कंप्यूटर्स हैं, सिखाने वाली प्रशिक्षित प्राध्यापिका है। इसके साथ ही साथ और भी जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सब सुविधाएं यहाँ पर विराजमान हैं। उत्तर प्रदेश में अयोध्या आने वाले श्रद्धालु जल्द ही सरयू नदी के घाटों पर वाटर और साउंड सिस्टम की मदद से पवित्र आरती में शामिल हो सकेंगे। राम मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक
शाम की आरती में श्रद्धालुओं की भारी तादाद को देखते हुए नया सिस्टम लगाया जा रहा है। मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों का कहना है कि कई श्रद्धालु आरती में हिस्सा नहीं ले पाते थे, अब वो तकनीक की मदद से इसमें शामिल हो सकेंगे। आपको बता दें कि सरयू आरती हर शाम सूर्यास्त के समय अयोध्या में सरयू नदी के तट पर की जाती है, जिसमें हजारों लोग हिस्सा लेते हैं और दीपक जलाकर नदी की पूजा करते हैं। श्रद्धालुओं के आकर्षण के लिए एक वाटर स्क्रीन लगाए जाने का प्रस्ताव है और वह एक श्रद्धालुओं के और तीर्थयात्रियों के लिए बड़ी अच्छी चीज़ हो जाएगी, उसका इंतजार हम लोग करें। आरती जहाँ पर नित्य हो रही है वहाँ पर भीड़ बढ़ जाने के कारण भक्तों को देखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर के वाटर स्क्रीनिंग लगाई जा रही है, साउंड सिस्टम लगाया जाएगा, जिससे भक्तों को सुलभता से माँ सरजू जी की आरती का दर्शन भी करने को मिलेगा और साउंड सिस्टम के द्वारा भव्य और दिव्य आरती का जो लुक है वो लोगों को आकर्षण का मुख्य केंद्र बनेगा, तो निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। ये पहल बहुत सुंदर पहल है, इसमें माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला को चढ़ाए जाने वाले भोग में समय समय पर बदलाव किया जाता है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि भगवान को हर मौसम की पोषण संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप भोजन मिले। सावन के पवित्र महीने की शुरुआत के साथ, जो मॉनसून के मौसम के साथ मेल खाता है, मंदिर ट्रस्ट ने भगवान राम के बाल रूप रामलला को रबड़ी और दूध चढ़ाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि न केवल भोजन बल्कि भगवान की पोशाक भी मौसम के अनुसार बदली जाती है। इस बीच अधिकारियों ने सावन के पवित्र महीने के दौरान अयोध्या आने वाले भक्तों की संख्या में लगातार वृद्धि की सूचना दी है। ऋतु परिवर्तन तो रामलला के सूक्ष्म में जो भोग लगता है वही परिवर्तन होता है, जैसे रबड़ी हुआ, उसके बाद दूध हुआ, दही हुआ, ये सब चीज़ का भोग लगता है। जैसे जैसे जिसकी चीज आवश्यकता पड़ती है कि ना ये रामलला को बालक रूप हैं, ऋतु परिवर्तन हुआ है तो उनको भोग लगना चाहिए, तो इसीलिए सूखी रूप से भोग उनको लगाया जाता है। भगवान के वस्त्र और उनके पुष्प हर तरीके से ऋतुओं के हिसाब से परिवर्तन किए जाते हैं। आजकल उनके सूती वस्त्रों का इस्तेमाल हो रहा है गर्मी होने के नाते, जब शीत ऋतु आएगी तो उनके गर्म वस्त्रों का इस्तेमाल होगा, उसी हिसाब से भगवान को भोग भी दिया जा रहा है, इसमें रबड़ी दूध का, फलों का, जूस का। 22 जुलाई से शुरू हुए सावन के महीने के दौरान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में भगवान शिव से जुड़े प्रतीकों से सजे कपड़ों की काफी मांग है। दुकानदारों का कहना है कि भगवान शिव की तस्वीरों से सजी टी शर्ट, सूती तौलिये और हाफ पैंट इस वक्त लोग काफी पसंद कर रहे हैं। महाकाल में 4 कलर आए हैं, ब्लैक, व्हाइट, ऑरेंज और एक कलर और है पीला। ये बहुत ज़्यादा बिक रहा है, बहुत ज़्यादा डिमांड है, इसी का डिमांड ही है। अच्छा, देखा जाए कई मतलब भगवान शिव के रूपों का भी इसमें चल रहा है। जी जी जी, सब बिकता है। अभी तक कितने की लगभग बिक्री हो? बिक्री ठीक ठाक हुई है। इस समय इस टाइप के कुर्ते चल रहे हैं, टी शर्ट, इसमें महाकाल का है, ये वाला है पीला चल रहा है, इस समय इस टाइप के चल रहे हैं और ये सब कुर्ता वगैरह चल रहा है इस समय, इस साल ये सब ज़्यादा चल रहा है, ये सब लोग पसंद आ रहा है। हाँ, लोगों को पसंद आ रहा है, कुर्ता उर्ता यही सबों का डिमांड ज़्यादा है। चित्र वाले भी भगवान शिव के चल रहे हैं? हाँ, वो भी सब चल रहे हैं। क्या रेट में बिक रहा है? वही आपका 90, 100, 120, 150 इस तरीके से चल रहा है रेट। बिक्री की बात की जाए तो कैसे? बिक्री ठीक ठाक चल रहा है। भगवान शिव की तस्वीरों से सजे इन कपड़ों की कीमत 50 रुपए से 300 रुपए के बीच है। दुकानदारों के मुताबिक इस साल अब तक सावन के महीने के दौरान उनका कारोबार पिछले सालों के मुकाबले बेहतर रहा है और शिव भक्त जमकर खरीदारी कर रहे हैं। लखनऊ के विभूति खंड गोमती नगर में स्थित सीआरपीएफ कार्यालय में 85वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। सीआरपीएफ के महानिरीक्षक सतपाल रावत ने सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दी और उपस्थित अधिकारियों और जवानों को देश सेवा के लिए सदैव तत्पर रहने का आह्वान किया।
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भारत का प्रमुख केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। आपको बता दें कि अंग्रेजी शासनकाल में 27 जुलाई 1939 को सीआरपी के नाम से इस बल का गठन वर्तमान मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में स्थित नीमच नामक स्थान पर किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य उस समय की देसी रियासतों में आंदोलनों और राजनीतिक अशांति को नियंत्रित कर कानून व्यवस्था बनाए रखना था। तो ये थी आज की खास खबरें। देश विदेश से जुड़ी धार्मिक जानकारी के लिए देखते रहिए श्रद्धा अपडेट्स।